तो लास्ट टाइम हम सीख रहे थे विंडोज 10 की सेटिंग्स, और उसमें सेटिंग्स के अंदर हमने कहे थे कहाँ तक, सिस्टम के अंदर। तो जैसे हम सिस्टम में दाखिल हुए तो हमें यहाँ पर मिल रहा था नोटिफिकेशन एंड एक्शंस का ऑप्शन और फोकस असिस्टेंट। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है पावर एंड स्लिप। देखिए पावर एंड स्लिप से मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो कब पावर रिलीज करे और कब स्लिप मोड पे जाए। यहाँ पर दो किस्म की सेटिंग आपको देखने के मिलेगी, एक मिलेगी आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर के हवाले से और एक मिलेगी आपको लैपटॉप कंप्यूटर के हवाले से। अगर डेस्कटॉप और लैपटॉप की दोनों की बात की जाए तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे होंगे तो यहाँ पे देखिए हर किसी के साथ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑन बैटरी पावर और एक आ रहा है व्हेन आई प्लग इन। डेस्कटॉप कंप्यूटर में इनमें दोनों में से एक आएगा, स्क्रीन मोड में भी और स्लिप मोड में भी। लैपटॉप कंप्यूटर में दो यूं आएंगे कि लैपटॉप कंप्यूटर के पावर सोर्स होते हैं दो, एक होती है बैटरी और दूसरा होता है ये हमारा एसी जो हमारा डायरेक्टली पावर सोर्स हो रहा होता है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपली ये करना है कि ये बता रहा है कि ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर 5 मिनट्स। कह रहा है कि अगर मेरा लैपटॉप या डेस्कटॉप बैटरी पर चल रहा हो, अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा लैपटॉप बैटरी पर चल रहा है। देखिए यहाँ पर एक सिंबल आता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर देखिए इसके साथ प्लग का निशान आ रहा है, इट मीन्स कि यह बैटरी पे नहीं डायरेक्ट पावर सोर्स पर चल रहा है। और जब ये प्लग का साइन गायब हो जाएगा, अभी देखिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये प्लग का साइन गायब हो जाएगा, इट मीन्स कि अब ये किस पर चल रहा है, बैटरी पे चल रहा है। तो ये दो सेटिंग इस तरीके से दी गई है लैपटॉप के अंदर कि अभी मेरा जो कंप्यूटर है वो बैटरी पे चल रहा है और 5 मिनट अगर मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को माउस को नहीं छेड़ूंगा, नहीं टच करूंगा, नहीं मूव करूंगा, तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट बाद मेरी लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। कैसे ऑफ हो जाएगी, ये आप देखते हैं, आपका मोबाइल आपने सेट किया होता है 15 सेकंड, जैसे ही आप इसको नहीं टच करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगी ऑफ। उसके बाद नीचे आते हैं व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर, और जब ये पावर पर चल रहा होगा, किस पर चल रहा होगा, पावर पर, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बोर्ड से, सर्किट से, तो ये स्क्रीन 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। कितने मिनट के बाद, ओके। अब आते हैं स्लीप मोड पर। अगर मेरा कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप अगर 45 मिनट तक बैटरी पर चलता रहा तो ये 55 मिनट्स के बाद स्लीप मोड पर चला जाएगा। स्लीप मोड पर ये होगा कि इसका जो पावर कंजप्शन लेवल है वो 50-60% रह जाएगा, बाकी मशीन काम करना छोड़ जाएगी। उसके बाद अगर ये प्लग इंड हुआ तो फिर ये 1 घंटे के बाद स्लिप मोड में चला जाएगा, लेकिन 1 घंटे तक इसको कीबोर्ड माउस वगैरह हाथ ना लगाए। हाँ, जैसा किसी माउस को हाथ लगाया फिर से 1 घंटे का टाइम काउंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए यहाँ पर एडिशनल पावर सेटिंग पर। यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पर आते हैं, एक ऑप्शन है चूज पावर बटन ऑप्शन। ये सारे बटन ऑप्शन एक ही जैसे ही है तकरीबन, आप देखते हैं इसको, यहाँ पर आ जाए, लिखा क्या आ रहा है यहाँ पे, व्हेन आई प्रेस पावर बटन। सही है, सबको दिख रहा है, शर्जील दिख रहा है बेटा, ओके। व्हेन आई प्रेस पावर बटन, जैसे ही मैं अपने लैपटॉप का पावर बटन दबाऊं तो ये क्या हो जाए, हाइबरनेट। क्या लिखा हुआ ये, हाइबरनेट। अब हाइबरनेट क्या चीज होती है, देखें एक होता है शटडाउन और एक होता है हाइबरनेट। दोनों में फर्क क्या है पहले समझते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। दोनों में सिमिलरिटी ये है शटडाउन और हाइबरनेट में कि जब आप शटडाउन करेंगे कंप्यूटर को या हाइबरनेट करेंगे, दोनों सूरतों में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पावर को रिलीज कर देगा, पावर को मतलब टर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन अब फर्क क्या है, जब दोनों में फर्क सिमिलरिटी है कि दोनों में वो क्या हो रहा है, पावर को रिलीज कर रहा है, शटडाउन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, तो फिर इनमें फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर आप हाइबरनेट करेंगे और आपके सारी एप्स एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, ओपनड हैं, और आप हाइबरनेट करेंगे तो विंडोज अपने आप को क्लोज करेगा, पावर रिलीज कर देगा और क्लोज ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा खोलेंगे तो आपका विंडो वहीं से लोड होगा जहां पर आपने उसको छोड़ा था। कहां से लोड होगा, वहीं से लोड होगा, वो सारी एप्स आपके सामने वैसे ही ओपन हो जाएंगी।